हेलो ब्रो, दिस इज अभिषेक चौहान। वेलकम टू ऑल ऑन नारायण इंस्टीट्यूट। बट फ्रेंड, आज की क्लास में हम सीखेंगे अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसे में चेंज करना। डियर फ्रेंड्स, बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखें, ठीक है, ताकि आप लोग अच्छे से समझ पाए। डियर फ्रेंड्स, आइए देखने करते हुए शुरू करेंगे आज की शानदार क्लास। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आइए हम समझते हैं कि कैसे हम अपने पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसे में चेंज करते हैं। यहाँ पर देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। पहले हम समझते हैं आपको नेगेटिव सेंटेंसेस को चेंज करना, जिसका स्ट्रक्चर हो जाता है। सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, फिर लिखते हैं हैड, फिर वो की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अगर कोई अदर क्लॉज रहता है जैसे बिफोर कंजंक्शन से प्लस करके तो उसे लिखते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वो की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। फिर अदर कोई क्लॉज रहता है तो रहता है, नहीं तो यहीं पर समाप्त हो जाता है हमारा सेंटेंस। ये वाला स्ट्रक्चर हमारा पैसिव का, ये है एक्टिव का। आइए करते हैं सेंटेंसेस को चेंज। ही हैड टेकन फूड बिफोर आई केम, मतलब वह खाना खा चुका था बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले। कौन खा चुका था? वह क्या खा चुका था? फूड, यानी खाना। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो बिफोर से जुड़ा हुआ है ना, ये आपका पैसिव में नहीं चेंज होगा, इसे आप भूल जाइए। ये आपका तो दूसरा क्लास हुआ, हमें चेंज बस इतने को ही करना है, मतलब हमारा इतने से ही रहेगा, राइट। चेंज करने के बाद देखिए, बाई प्लस सब्जेक्ट लिखने के बाद में हमें ये शुरुआत करनी है ना, तो ये भी जिस भी टेंस में होगा, जो कुछ भी होगा, इसे बाद में इसे लिख देंगे। हमारा जो काम है वो इतने से है, तो इतना से मतलब रखिए आपके पास, यानी ये है टेकन द फूड, वह खाना खा चुका था। कौन खा चुका था? वह हो गया सब्जेक्ट। क्या खा चुका था? खाना, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, यानी इसे आगे लाइए, यानी द फूड हैड लगाया और बीन भेजा यहाँ पर, हैड बीन टेकन, ठीक, किसके द्वारा? बाय हिम। अब बाय प्लस सब्जेक्ट लिख दिया मैंने, ठीक है। लेकिन यहां पर देखिए, बाय प्लस सब्जेक्ट लिख दिया हमने, अब यहाँ बिफोर से सेंटेंस को जोड़ा गया है, तो जोड़ा गया है तो आप भी जोड़ दीजिए, यानी बिफोर आई केम लिखा हुआ है तो आई केम लिख दीजिए, राइट। सेकंड सेंटेंस, राम हैड फिनिश्ड हिज वर्क, इतना भूल जाइए आप, राम अपना काम समाप्त कर चुका था। कौन? राम समाप्त कर चुका था क्या? अपना काम, यानी हिज वर्क, ये आपका ऑब्जेक्ट है, इसे आगे लाइए, यानी हिज वर्क, राइट। अब यहां पर हैड लिखिए, फिर बीन लिखिए, फिर वो की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड यहां पर हो गया, ठीक। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा राम, यहां पर हो जाएगा क्या? बाई राम। अब देखिए, प्लस लगाया, अब बिफोर है यहां पर, तो प्लस लगाकर आप भी बिफोर लिख दीजिए, मतलब यहां पर प्लस मत लगाइए, बिफोर लिख दीजिए यहां पर 7 PM। मतलब कहने का जो हमारा तात्पर्य है कि बिफोर से पहले वाले सेंटेंस को हमें पैसे बनाना है, बिफोर के बाद अगर कोई सेंटेंस आता है तो उसे जिस भी टेंस में होगा वैसे ही बना देंगे, हम उसे नहीं चेंज करेंगे। थर्ड सेंटेंस लेते हैं, सी हैड नॉट कुक्ड फूड बिफोर 8 AM, वह 8 सुबह के 8 बजे से पहले खाना नहीं बना चुकी थी। कौन? वह, जो कि मेरे सब्जेक्ट, क्या नहीं बना चुकी थी? खाना, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, ठीक, यानी द फूड हो जाएगा हमारा, फिर हैड लिखा। अब चूंकि यहाँ पर नॉट है तो हैड के जस्ट बाद हम यहाँ पर नॉट लगा देंगे, फिर बीन लिखेंगे, यानी हैड नॉट बीन, यानी द फूड हैड नॉट बीन, अब ऑफ की थर्ड फॉर्म लिखेंगे हम कुक्ड, यानी खाना नहीं बनाया जा चुका था। किसके द्वारा? उसके द्वारा, यानी बाई हर। अब बच गया क्या? बिफोर, जैसे यहाँ पर देखिए बिफोर 8 AM, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे अपने अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेज को, कि कैसे हम इन्हें पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं। अब आइए बहुत ही डिटेल समझ लेते हैं अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज को चेंज करना। डियर फ्रेंड्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले हम समझते हैं कि कैसे हम यस नो टाइप के सेंटेंसेज को चेंज करते हैं। यस नो टाइप यानी जिनके शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से होती है। इसका स्ट्रक्चर हो जाता है हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट के बाद अगर बिफोर से किसी क्लास को जोड़ कर लिखा गया है तो उसे भी लिखेंगे, अगर नहीं लिखा गया है तो बस यहीं तक रहेगा हमारा। पैसिव वॉइस का अगर होता है इसका हेड प्लस ऑब्जेक्ट, देखिए ऑब्जेक्ट आगे आ गया है, प्लस बीन लगाते हैं यहाँ पर, तो वो की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर। आइए करते हैं चेंज। यहाँ पर देखिए, हमारा फर्स्ट सेंटेंस हैड द पुलिस अरेस्टेड द क्रिमिनल बिफोर यस्टरडे, क्या पुलिस अपराधी को कल से पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी? कौन कर चुकी थी? पुलिस सब्जेक्ट है, किसे कर चुकी थी? द क्रिमिनल ऑब्जेक्ट है।
हैड हमारा ऐसे लिखा रहेगा, देखिए यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट को लिखेंगे द क्रिमिनल, हमारा ऑब्जेक्ट है यानी हैड द क्रिमिनल, राइट। अब बीन यहाँ पर लिखेंगे बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, देखिए अरेस्टेड, ठीक अरेस्टेड यानी हैड द क्रिमिनल बीन अरेस्टेड। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा क्या द पुलिस, यानी बाई द पुलिस, क्लियर। अब बिफोर, यहाँ पर देखिए बिफोर लिखा हुआ है, यस्टरडे है तो यहाँ पर लिख लीजिए यस्टरडे, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क। सेकंड सेंटेंस है, हैड यू सॉल्वड ऑल द क्वेश्चंस बिफोर गिवन टाइम, क्या तुम सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे दिए गए समय से पहले। कौन भैया तुम, क्या कर चुके थे ऑल द क्वेश्चंस, यानी किसे सॉल्व कर चुके थे सभी क्वेश्चंस को, तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। हैड यहाँ पर लिखा रहेगा ऐसे, ऑब्जेक्ट को आगे रहिए, ऑब्जेक्ट हमारा ऑल द क्वेश्चंस, यानी हैड ऑल द क्वेश्चंस, राइट। बीन यहाँ पर लिखेंगे हम बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सॉल्व यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है सॉल्व, अब बाई प्लस सब्जेक्ट तो बाई लिखा, अब किसके द्वारा, यू हमारा सब्जेक्ट है यानी बाई यू, ठीक। अब बिफोर यहाँ पर लिख दिया, देखिए बिफोर ये दिया हुआ है, अब बिफोर लिखा, अब गिवन टाइम यानी दिए गए समय, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, इसका मीनिंग क्या निकला, हैड यू ऑल यानी हैड ऑल द क्वेश्चंस बीन सॉल्व बाय यू, क्या सभी क्वेश्चन सॉल्व किए जा चुके थे तुम्हारे द्वारा बिफोर गिवन टाइम यानी दिए गए समय से पहले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इसमें टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम चेंज करें पैसिव वॉइस में अच्छे से आप लोग समझ चुके होंगे, स्ट्रक्चर को देख चुके होंगे। अब ये समझते हैं अपने डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंसेज को, साथ ही साथ हु के सेंटेंसेज को कैसे चेंज करते हैं। डिफरेंस आइए बहुत अच्छे से समझते हैं अपने डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंसेज को पैसिव वॉइस में चेंज करना है। यहाँ पर देखिए एक्टिव वॉइस का जो हमारा स्ट्रक्चर हो जाता है डब्ल्यू एच टाइप के सेंटेंसेज का, वो होता है क्वेश्चन वर्ड सबसे पहले लिखते हैं, फिर हैड लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और अगर बिफोर से जुड़ा गया हमारा दूसरा क्लास है तो लिखेंगे, अदरवाइज वहीं पर हम लगा देंगे अपना इंटरोगेशन मार्क। इसी प्रकार सेकंड है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, अगर इतना है तो इतना ही कर देंगे, अगर दूसरा भी है तो उसे जोड़कर हम लिख देंगे वो भी। देखते हैं अपने फर्स्ट सेंटेंस, व्हाई हैड यू कॉल्ड हिम अगेन, तुमने उसे यानी व्हाई हैड यू कॉल्ड हिम अगेन, तुमने उसे दोबारा क्यों बुलाया था, किसने बुलाया था तुमने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे बुलाया था उसे, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड तो हम वैसे के वैसे लिखेंगे यानी व्हाई हो गया हमारा, अब लगाएंगे हैड, ठीक। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो हिम आगे आएगा, ही हो जाएगा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है यानी व्हाई हैड ही। अब बीन लगाएंगे यहाँ पर हम बीन, ठीक। अब वो की थर्ड फॉर्म यानी कॉल्ड, अब बाई प्लस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हमारा यू यानी बाई, सॉरी लेकिन यहाँ पर अगेन है तो पहले अगेन लिख देते हैं, अगेन यानी व्हाई हैड ही बीन कॉल्ड अगेन बाय यू, इसका जो मीनिंग निकल कर आ रहा है उसे तुम्हारे द्वारा दोबारा क्यों बुलाया गया था। सेकंड सेंटेंस, व्हेन हैड शी इनवाइटेड यू, उसने तुम्हें कब बुलाया था यानी कब आमंत्रित किया था, किसने, उसने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, किसे, तुम्हें, ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो व्हेन लिखा यहाँ पर, हैड लगाया, अब ऑब्जेक्ट लिख के यू को आगे लाएंगे यू, फिर बीन बजाएंगे यहाँ पर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, ठीक। अब बाई प्लस सब्जेक्ट, तो बाई शी इधर आएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में तो हर हो जाएगा, लास्ट में इंटरोगेशन मार्क, यानी व्हेन हैड यू बीन इनवाइटेड बाई हर, तुम्हें उसके द्वारा कब आमंत्रित किया गया था। थर्ड सेंटेंस, हु हैड स्टोलन योर वॉच, तुम्हारी घड़ी किसने चुराई थी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हु को तो हम बाई हुम में कन्वर्ट कर देते हैं यानी बाई हुम, फिर हैड लगाएंगे, ठीक। अब ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो योर वॉच हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक, यानी व्हाई बाई हुम यानी बाई हुम हैड योर वॉच। अब बीन लिखते हैं बीन, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या बचा भैया, स्टोलन, ठीक, यानी किसके द्वारा तुम्हारी घड़ी चुराई गई थी, क्लियर। डिफरेंस यहाँ हमारा फोर्थ सेंटेंस देखिए, हुम हैड द पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने किसे गिरफ्तार किया, किसने गिरफ्तार किया, पुलिस ने, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, राइट, और किसे गिरफ्तार किया, यहाँ पर हुम आ गया है, ठीक है। तो हु को हम लोग हु में कन्वर्ट कर देते हैं यानी यहाँ पर हो गया हु, अब यहाँ पर लिखेंगे हम हैड, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हमारा है नहीं यानी हु हैड, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम डायरेक्ट बीन,
अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे अरेस्टेड, ठीक है, अरेस्टेड। अब यहां पर देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया बाई प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है मारा द पुलिस, यानी बाई द पुलिस हो जाएगा, बाई द पुलिस लास्ट में इंडिकेशन मार, यानी हु हैड बीन अरेस्टेड बाई द पुलिस, पुलिस के द्वारा किसे गिरफ्तार किया गया था। फ्रेंड्स साहब आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे अपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में चेंज करना, और अभी तक जो हमने सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट, अब तक के आठों टेंस यानी सातों टेंसेस में कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं बचा होगा। अब केवल एक टेंस आपका बचा है, वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ठीक। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बाद केवल स्पेशली यूजर्स पर एक वीडियो और होगी, क्योंकि कुछ स्पेशल रूल है जिन्हें हमें समझना होगा, ठीक। उसके बाद आपका पैसिव वॉइस समाप्त हो जाएगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने सेंटेंसेस को, राइट। तो बहुत ही ध्यान से वीडियो को देखते रहें और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहें, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे कल शाम 8 बजे एक नए वीडियो के साथ, लेकिन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ, सी यू टुमॉरो, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।